हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मार्केट जैसा राजमा घर पे बनाने की रेसिपी। तो फटाफट से देख लेते हैं ये कैसे बनता है। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ इंग्रेडिएंट, आइए इन्हें ध्यान से देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिए हैं कुछ स्पाइसेस, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, कटे हुए प्याज। मैंने दो कटे हुए प्याज यूज़ किए हैं, प्याज का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट, दो दो बड़े चम्मच। और ये है हमारी टमाटर प्यूरी, दो टमाटर की प्यूरी ली है मैंने। और ये है हमारा छोला मसाला और आमचूर पाउडर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने राजमा को उबाल लेंगे, उसको सीटी लगा के साइड कर लेंगे, बाकी की प्रिपरेशन उसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे कुकर, उसमें राजमा डाला है, कुछ खड़े मसाले डालेंगे जैसे कि दालचीनी, तेज़पत्ता और नमक, स्वाद अनुसार ही डालिएगा क्योंकि हमने मसालों में भी डालना है नमक। और थोड़ा सा हम सोडा ऐड कर देंगे जिससे कि जो हमारे बीन्स हैं वो अच्छे से पक जाएं। और हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर जिससे कि ये अच्छे से पक जाए, बॉईल हो जाए। और चलिए करते हैं आगे की प्रिपरेशन। हमने ले लेना है एक बड़ा सा बर्तन, उसमें डाला है 3 बड़े चम्मच तेल। तेल जब हो जाएगा हमारा गरम तो हम उसमें ऐड करेंगे अपने कटे हुए प्याज। प्याज को हमें करना है गोल्डन ब्राउन, बहुत ज़्यादा उन्हें नहीं जलाना है। तो इसको चलाते जाएंगे, देखिए इसका कलर हो गया है चेंज, इसको चला लीजिए फटाफट से वरना ये जल सकता है। इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे अपने पिसे हुए मसाले जैसे कि प्याज का पेस्ट, उसको डाल के हमें चलाना है जिससे कि प्याज जले नहीं। और इसमें हम यहीं पे ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इन सभी को मिक्स कर देंगे। ये है हमारी टमाटर प्यूरी, जो सारे मैंने मसाले निकाल के पहले से रखे थे वो अब हमें यहाँ पर ऐड करने हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने सारे स्पाइसेस, इन सभी को हमें मिक्स करके अच्छे से पकाना है जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता या तेल मसालों को छोड़ नहीं देता, अच्छे से भुन नहीं जाता। ये हो गया हमारा मसाला भुन के रेडी। मसाला भुन के जब रेडी हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे छोला मसाला और आमचूर पाउडर। ये मसाला पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपना बॉयल किया हुआ राजमा जो कि मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिया था। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं उसमें। मसाले में हमें राजमा ऐड कर देना है और उसको मीडियम फ्लेम पर ही थोड़ी देर के लिए पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा तब हम इसे करेंगे गर्मा गर्म सर्व। ये देखिए अच्छे से ये हो गया है पक के तैयार। अब इसे करिए गर्मा गर्म सर्व। चाहे आप इसे चावल के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए, पराठों के साथ खाइए, सबके साथ ये बेस्ट लगेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।